आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। फिल्म स्टाइल में बाइक सवार दो युवकों ने दी कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के हड़ावा पुल पर लूट की घटना को अंजाम। गोरखपुर से कार बुक कराकर सिद्धार्थनगर जा रहे दंपत्ति से लूटी करीब 7 लाख कीमत का 190 ग्राम सोना। मौके पर पहुंचे एडीजी और एसएसपी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। एक को लिया हिरासत में, जल्द खुलासे का दिया भरोसा। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय त्रिपाठी मीडिया से हुए रूबरू। कहा, रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधाओं पर दिया जा रहा है जोर। संरक्षा, सुरक्षा और कोरोना वायरस से बचाव के लिए उठाए गए ठोस कदम। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में संपन्न हुई निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक। कहा, जनपद में संचालित परियोजनाओं का त्रिस्तरीय कमेटी गठित कर कराया जाएगा सत्यापन। लापरवाही बर्दाश्त नहीं। गोरखपुर में गुरुवार को मिला एक नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,360। अब तक 848 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान। 21 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर चिड़ियाघर गोरखपुर में देखने को मिला बाघों का नजारा। डायरेक्टर ने कहा, बाघों के संरक्षण के लिए कटिबद्ध है सरकार। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक। कोविड-19 के संभावित तीसरे वेव पर नियंत्रण के साथ अन्य योजनाओं की समीक्षा। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुहर्रम का परंपरागत जुलूस निकाले जाने की मांग को लेकर इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। मुहर्रम का जुलूस निकालने की मांगी इजाजत। जनपद में गुरुवार को जिला अस्पताल सहित कुल 71 केंद्रों पर 17,477 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 14,524 और सेकेंड डोज लेने वालों में 2,993 लोग रहे शामिल। एडिशनल सीएमओ ने कहा, कोविड गाइडलाइन का करें पालन, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। महानगर कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर किया स्वागत। कहा, अभियान चलाकर सेवा दल के पुराने कार्यकर्ताओं को जोड़कर संगठन को किया जाएगा मजबूत। श्री चित्रगुप्त मंदिर सभा महिला समिति की ओर से सावन मास में आयोजित किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम। सावन के गीतों की गई प्रस्तुति। और कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के उद्देश्य से शासन के द्वारा लगाए गए कोरोना नाइट कर्फ्यू का गुरुवार को भी देखने को मिला असर। एडीएम सिटी ने कहा, करे कोरोना गाइडलाइन का पालन, नहीं तो होगी विधिक कार्रवाई।